श्री पांच पद्मावती पुरी धाम पन्ना में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के मौके पर सदगुरु के सम्मान का प्रतीक कही जाने वाली प्राणनाथ जी की दिव्य सवारी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस ऐतिहासिक सवारी को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नगर के मुख्य मार्गों से सवारी निकाली गई। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि मानो समूचा पन्ना धाम ही भक्ति रस में सराबोर हो गया हो। लोगों के आस्था का केंद्र खेजड़ा मंदिर से यात्रा का शुभारंभ हुआ। श्री जी की इस विशाल सवारी में नगर के निवासियों के अलावा देश विदेश के हजारों सुंदर साथ मौजूद थे, जो अलग अलग टुकड़ियों में नाचते गाते तथा अपनी परंपराओं के अनुरूप शिरकत करते नजर आए। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के दौरान पन्ना नगर में सैकड़ों वर्षों से लगातार श्री जी की सवारी यात्रा भव्य स्वरूप के साथ निकाली जाती है। इस सवारी का आयोजन पहली बार बुंदेलखंड के श्री महाराजा छत्रसाल जी ने किया था। सदगुरु के सम्मान का प्रतीक कही जाने वाली इस तेरस की सवारी को लेकर मान्यता है कि जब बुंदेलखंड को चारों तरफ से औरंगजेब के सरदारों ने घेर लिया था, तब महामती श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल को अपनी चमत्कारी दिव्य तलवार देकर विजयश्री का आशीर्वाद दिया था और राजा से कहा था कि जब तक तुम अपने दुश्मनों को हराकर नहीं आ जाते, तब तक मैं इसी खेजड़ा मंदिर में रुकूंगा। तेरस को जब महाराजा छत्रसाल विजयी होकर लौटे तो उन्होंने अपने सदगुरु महामती प्राणनाथ जी को पालकी में बिठाकर श्री प्राणनाथ जी मंदिर में स्थित ब्रह्म चबूतरा तक लाए। इसके बाद से यह आयोजन हर वर्ष किया जाता है। प्राणनाथ जी ने कभी आए थे यहाँ श्री छत्रसाल महाराज के, राजा छत्रसाल जी, उनको उन्हें शिष्य देने की, जब उसके औरंगजेब की उसकी लड़ाई चल रही, औरंगजेब का शासन था, तो उसके खिलाफ लड़ने को तैयार हुए हैं, तो छत्रसाल नहीं फतेह करी बुंदेलखंड छत्रसाल महाराज, तो हम प्रणाम धर्म के है श्री कृष्ण प्रणाम धर्म, जिन्हें हम श्री कृष्ण प्रणाम। धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व की इस विशाल शोभा यात्रा में पन्ना नगर वासियों ने भी पूरे उत्साह व भक्ति भाव के साथ बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। रथ में सवार श्री जी की एक झलक निहारने के लिए लोग घंटों सड़क के किनारे खड़े रहे। सवारी के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह श्री जी की आरती उतारी गई और शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर सुंदर साथ मिठाइयां बांटी गई। पन्ना जी में जो ये श्री जी की सवारी निकाली जाती है, महामती श्री प्राणनाथ जी जो हमारे निजानंद संप्रदाय के संस्थापक भी रह चुके हैं, और उन्होंने क्या किया था, जब छत्रसाल जी महाराज थे ना, तो उनको ये वरदान दिया था, जब औरंगजेब से लड़ने के लिए उनके पास पैसे की कमी थी, तब महाराजा श्री महामती श्री प्राणनाथ जी ने उनको वरदान दिया था कि और तलवार देकर कि जित सत्ता तेरे राज में, जित धरती हो, जित घोड़ा पाखर जीते हीरा हो, ठीक है। तो जब उनको हीरे की बहुत सारी पैदाइश यहाँ से मिली, धन की कमी नहीं हुई, और उन्होंने क्या कहते हैं औरंगजेब से लड़ाई तो बहुत अच्छे से लड़ा, तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और वो अपने महल से गाजते बाजते श्री जी की सवारी को लेकर यहाँ तक अपने महल तक आए थे। न्यूज़ बीके के लिए पन्ना से इदरीस मोहम्मद की रिपोर्ट।